हमें डिवाइड करने के लिए अलग अलग रकम से अलग अलग तरीके से, कभी कोई रिलीजन के नाम में, कभी कोई जाति के नाम में, कभी पैसा देकर, कभी लालच देकर हमें बांटने का कोशिश करेगा। लेकिन अगर तीव्रासा एक रहा तो आने वाले दिन में तीव्रासा का भविष्य और अच्छा होगा। लेकिन अगर हम अपना एकता को नहीं रख सके, अगर थानसा को नहीं रख सके, अगर हम पॉलिटिक्स के नाम में, रिलीजन धर्म के नाम में, कोई रियांग है, कोई देव बर्मा है, कोई कॉलॉय है, कोई रामकॉल है, कोई दारलोंग है, कोई त्रिपुरा है, इस नाम में अगर एक दूसरे से लड़ते रहे तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि तीव्रासा त्रिपुरा में नहीं रहेगा। अगर आपको अपना नेक्स्ट जनरेशन को बचाना है, अगर आपको अपना बच्चा के बारे चिंता है, तो आज आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। अगर आज हमने कॉम्प्रोमाइज किया तो कल हमारा नेक्स्ट जनरेशन बच्चा लोग जो है वो लोग का भविष्य बहुत खतरे में पड़ेगा। सैक्रिफाइस सिर्फ भाषण से नहीं होता है, सैक्रिफाइस सिर्फ बोलने से नहीं होता है, बलिदान सिर्फ बोलने से नहीं होता है। मैं पैसे कमाने के लिए राजनीति में नहीं आया, मैंने एक कमिटमेंट लिया है कि अपने गरीब तीव्रासा को उनका जमीन, उनका अधिकार और उनका भविष्य को जब तक मैंने ठीक नहीं किया, जब तक मैंने अधिकार नहीं दिया, आपको आपका राइट्स नहीं दिया, तब तक मुबागरा अकेला फाइट करते रहेगा। जिंदा रहूं या मर जाऊं, लेकिन अपना तीव्रासा को बेचकर मुबागरा आगे नहीं जाएगा। मुझे राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे अपना तीव्रासा को उठाना है। और अगर तीव्रासा को उठाना है तो मुबागरा को भी अपना बारे कम सोचना पड़ेगा, अपना जाति के बारे सोचना पड़ेगा ज्यादा। आज स्त्री है, यहां में हम लोग आए हैं। अगर इलेक्शन होता तो सब नेशनल लीडर्स बीजेपी से, कांग्रेस से, सीपीएम से यहां में बैठा रहता, क्योंकि वोट चाहिए आपका। लेकिन आज क्योंकि इलेक्शन नहीं है, कोई नहीं आएगा। और हम लोग हमेशा वैसे ही लीडर को हम लोग रिग्नाई पहनाते हैं, रिसा देते हैं, फूल देते हैं, उनको उठाते हैं। ये लोग सिर्फ अपना फायदा देखकर आपके पास आते हैं। जब मैं पहले बार मूवमेंट फॉर कॉक बरोक के लिए आया था 2007 में, यही लीडर लोग बोलता था त्रिंग में मत जाओ, त्रिंग तब मतलब कुछ और है। मुबागरा तब भी गया। ये लोग सिर्फ इलेक्शन देखकर तीव्रासा को बेवकूफ बनाने के लिए, वोट के लिए आपका इमोशन से खेलते हैं। लेकिन आज का तीव्रासा इतना बेवकूफ नहीं है। आई वॉन्ट टू टेल द पीपल फॉर द मूवमेंट फॉर कॉक बरोक दैट इफ वी हैव टू यूनाइट, वी हैव टू टेक ऑल कम्युनिटीज टूगेदर, whether they are Ramlongs, Darlongs, our Bru brothers and sisters, Ramkhols, Kolois, take everyone together. Yes sir, all community. And we are Tiprasa community. Yes sir. Hamara community, hamara party se bada hona chahiye. Hamara zameen,
हमारा पोस्ट से बड़ा होना चाहिए। और मैं आपको प्यार क्यों करता हूं जानते हो? क्योंकि मेरा परिवार आप लोग हैं। और अगर आपको सम्मान मिला, अगर तिपरासा को, हमारा बुकुंबारा को सम्मान मिला, अधिकार मिला, तो एक ना एक दिन आपका आशीर्वाद भी मेरे पास आएगा। यहां में मां लोग हैं, बुमा लोग हैं, गुरुई लोग हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अपना बच्चा को देखो। आपका जिंदगी तो गया, आपके पास जमीन नहीं है, आपके पास नौकरी नहीं है, आपके पास अधिकार नहीं है, लेकिन अगर आज हमने थानसा रखा तो आपका बच्चे के पास अधिकार होगा, जमीन होगा और भविष्य भी होगा। तो 500 रुपए के लिए, थोड़ा चुआक के लिए, थोड़ा सा पैसा मिल गया, पोस्ट मिल गया पॉलिटिकल पार्टी से, उसके लिए अपना तिपरासा का जो इंटरेस्ट है, जो हमारा एक भविष्य है, हमारा जो अधिकार है, उसको मत भूलिए। हम लोग हानि भूसा है, हां कि नहीं? अगर हानि भूसा है तो आज अपना ही राज्य में हम लोग क्यों माइनॉरिटी है? आज क्यों बांग्लादेश से लोग ज्यादा यहां में है? क्योंकि हम लोग के पास थानसा नहीं था। हमने हमेशा अपने बारे सोचा, अपने बच्चे के बारे नहीं सोचा, इसके लिए आज हमारा ये परिस्थिति है। लेकिन नया साल आ रहा है, एक नया साल आएगा, नया साल के संग नया सोच भी लाओ। चेंज योर थिंकिंग, परिवर्तन लाओ, अपने अंदर लाओ। आप कंट्रोल नहीं कर सकता है अगरतला में क्या हो रहा है, आप दिल्ली को कंट्रोल नहीं कर सकता है, लेकिन आप अपने आप को सुधार सकता है। मैंने देखा है कि तिपरासा का सबसे बड़ा दुश्मन तिपरासा खुद है, इसके लिए आज हम लोग नीचे हैं। तो नया साल में एक संकल्प लो, टेक अ प्रॉमिस कि हम एक दूसरे को प्यार करेंगे, हम एक दूसरे से फाइट नहीं करेंगे, हम एक दूसरे को गाली नहीं देंगे, हम लोग एक होकर अपना बच्चा का भविष्य को एक करेंगे। मूवमेंट फॉर कॉकरोच हैज बीन ऑर्गेनाइजिंग दिस फॉर ओवर 30 इयर्स, बट योर अचीवमेंट विल नॉट बी only by speaking in a language, but to understand the feeling of togetherness. आज religion के नाम में तिपरासा community को divide किया जाता है। मैं हिंदू हूं, लेकिन मैंने हमेशा देखा है अपना भगवान को पूजा करो, किसी और के भगवान को गाली बकने से आपका भगवान उठता नहीं है, किसी और के घर को जलाने से आपका घर नहीं बनता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो धर्म के नाम में हमको बांटेगा। हम बुईसु सेलिब्रेट करेंगे, गरिया सेलिब्रेट करेंगे, हौजागिरी में हम अपना फेस्टिवल है, हम सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन किसी और का फेस्टिवल को गाली देने से आपका भगवान बढ़ता नहीं। और जो लोग तिपरासा को तिपरासा से हटाना चाहते हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपको इतना, आप तिपरासा को तिपरासा से बाहर करना चाहते हैं, एक बार आपने कभी बोला है कि बांग्लादेशी गो बैक? नहीं, हिम्मत नहीं है आपका, क्योंकि आप उनसे पैसा लेकर तिपरासा को कमजोर करते हैं। लेकिन तिपरासा
एक रहेगा, पिपरासा को एक रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर पिपरासा एक नहीं रहा तो आज जो हम लोग 30% है, आने वाले 10 साल के अंदर हम लोग खत्म भी हो सकते हैं। इसके लिए अगर पिपरासा को बचना है, अगर पिपरासा दफा को सरवाइव करना है, तो पिपरासा सोसाइटी को राजनीति के बारे कम, अपने जाति, अपना जमीन, अपना अधिकार के बारे ज्यादा बात करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। हमको पार्टी आपको नहीं बचाएगा, जाति आपको बचाएगा। और जाति, और ये स्पीच के बाद फिर से अगरतला का न्यूज़पेपर बोलेगा महाराजा तो कम्युनल बात कर रहा है, लेकिन मैंने, आपने मेरा भाषण भी सुना है, मैंने कोई भी कम्युनिटी के खिलाफ बात नहीं की, मैंने सिर्फ अपना कम्युनिटी को उठाने के बारे में बात किया। तो इनको क्यों